आज हम लोग लिनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, और क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दिया गया है। दो इक्वेशंस क्या क्या है, 2x + 3y = 13, 5x - 4y = -2। गाइस, मगर आपको जो याद है, हम लोग ये लिनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मगर जो दिया गया जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये हम लोग लिनियर इक्वेशन बोल के नहीं बोल रहे हैं। हम लोग इसको लिनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस बोल के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं है। क्यों नहीं है, हमें पता है कि लिनियर इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसे रहता है, ax + by + c = 0। लिनियर इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसे रहना चाहिए, कैसे, ax + by + c = 0, यही फॉर्मेट में रहना चाहिए। मगर हम लोग को ये p/q, देखिए 2x बोले तो p/q या कुछ भी है, ये फ्रैक्शन जैसा है, 2x + 3y = 13 है, 5x - 4y = -2। सो डेफिनेटली ये हम लोगों का लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं है, जो कि ax + by + c = 0 होना चाहिए था ये फॉर्मेट पे। तो हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि ये लिनियर इक्वेशन है, हम लोगों को ये जो इक्वेशंस दिया गया है इसको हम लोगों को लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट में लाना है। तो कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग इसको लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट में लाएंगे, फिर इसको सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 13, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x बोले तो क्या है, 2x बोले तो कुछ भी नहीं है, 2 × 1/x में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 3 × 1/y में लिख सकता हूँ। कुछ गलत किया, कुछ भी गलत नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि 2 × 1 = 2, सो वही 2/x हो गया, और 3 × 1 = 3, वही 3/y हो गया। और इसको मैं अभी आगे लिख सकता हूँ, 2 × 1/x लिख सकता हूँ, +3 × 1/y भी लिख सकता हूँ। अभी अगर मैं ऐसा लिखा, कुछ गलत हुआ क्या, यहाँ पर अभी तक कुछ गलत मैंने नहीं किया। अगर आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही होगा, 2x + 3y होगा। और इसको भी मैं थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, और 2 1/x को जस्ट इंटू जो था, मैं मल्टीप्लाई सिंबल को निकाल के 2 1/x को ब्रैकेट में भी रख लिया। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रखेंगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, = 13। ये गाइज, ये हम लोगों का एक इक्वेशन हो गया। हम लोग, मैं इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, अभी तक हम लोग लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं लाए, फिर भी मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अभी सेकंड लिनियर इक्वेशन हम लोग पिकअप करेंगे, सेकंड इक्वेशन यहाँ पर क्या है, 5x - 4y = -2 है। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर 5x - 4y = -2 है। गाइज, मैंने ऊपर जैसा किया था एग्जैक्टली अगर वैसे करूंगा तो ये इक्वेशन को मैं ठीक इसी तरह से लिख सकता हूँ, 5 1/x - 4 1/y। कैसे क्या, ऊपर जैसे किया था ठीक उसी तरह से मैं करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 5 1/x - 4 1/y = -2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल के दे देता हूँ। तो क्या हो गया, हमें मिल गया 2 1/x + 3 1/y = 13, और एक हमें मिला 5 1/x - 4 1/y = -2। अभी इसको मैं जो अभी हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम करेंगे, लेट 1/x = p एंड 1/y = q एंड let 1/y = q। सो गाइस, मैंने क्या क्या अभी हम लोग एज्यूम कर लिए कि 1/x को p दे दिए नाम और 1/y को q बोल के नाम दे दिए। अभी हम लोग ये दोनों इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर देंगे, p एंड q को रिप्लेस कर देंगे। चलिए, हम लोग को जो इक्वेशन नंबर 1 मिला था और 2 मिला था, इसको हम लोग अभी रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिला था, 2 × 1/x मिला था, 2 1/x + 3 1/y = 13 मिला है।
अभी 1/x के जगह पे मैं आराम से p बल के लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग एज्यूम कर लिए 1/x p है बल के। तो और 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 बल के मैं लिख सकता हूँ। ये एक हो गया। दूसरा क्या था, हम लोग का सेकेंड इक्वेशन क्या था, 5 1/x प्लस 5 1/x माइनस 4 1/y इज इक्वल टू -2 था। अभी इसको भी मैं पी रिप्लेस कर लूंगा एक्स 1/x के जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। गाइस ये दोनों जो मिला हमें 2p प्लस 3q इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 बोल के मैं दे देता हूँ। अभी इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल के दे देता हूँ। ये दोनों इक्वेशन का अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग पहुंच चुके हैं लीनियर इक्वेशन पे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में ये है, ये भी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दोनों एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में है। अभी हमें हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, अभी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कौन सा मिला, 3 इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 अभी हम लोग का लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में आ चुका है। कैसे आया है अगर आप लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 है, मैं इसको भी लिख सकता हूँ। नहीं तो ये भी देखिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जो 0 है, मैं इसको लिख सकता हूँ ax प्लस by इज इक्वल टू -3 बल के भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी ax प्लस by इज इक्वल टू -3। ये दोनों एग्जैक्टली हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जैसा है, पूरा एग्जैक्टली वही है, इसीलिए हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। अभी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया है। अभी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मिला है, अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करके अप्लाई करके मैं इसको अभी सॉल्व करने वाला हूँ। गाइज आपको पता है मुझे एलिमिनेशन मेथड हमेशा मैं अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है, इसीलिए मैं अभी यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करूंगा। तो गाइज एलिमिनेशन मेथड जनरली होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग कौन से भी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, ताकि हम लोग के पास एक वेरिएबल रहेगा, उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन हमें मिला है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हम लोग अभी फोकस करेंगे p के ऊपर, क्योंकि मैं अभी p को एलिमिनेट करने वाला हूँ। आप चाहे तो p को एलिमिनेट कर सकते हैं और चाहे तो q को भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, मगर मेथड ठीक वैसा ही रहेगा, मेथड में कुछ चेंज नहीं होगा। तो p को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को पहले यहाँ पर जो 2p है 5p है, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो सिमिलर कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे 5 × 2 = 10 हो रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये 2p के साथ 2p में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10 आ जाएगा। तो अगर मैं 2p पे 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर जैसे कि 5p है, 5p में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 10 आ जाएगा। चलिए ठीक वैसे अभी हम लोग करते हैं। तो मैं इसको अभी स्टेप 1 बोल के लिखूंगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग हमेशा स्टेप वाइज चलते हैं। तो स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग अभी डिस्कस किए एग्जैक्टली वही करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री बाय 5। हम लोग इक्वेशन 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड इक्वेशन फोर बाय 2। हम लोग इक्वेशन 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 को हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। गाइस होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, जस्ट हम लोगों को कुछ सिंप्लीफाई जस्ट कर रहे हैं। तो क्या मिला हमें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5 एंड इक्वेशन 4 बाय 2। एग्जैक्टली मैं अभी वही करने वाला हूँ। तो इक्वेशन 3 क्या था, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं हम लोग इक्वेशन 3 को 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है मैं लिखे हैं हम लोग। तो 5 × 2p + 3q। मगर गाइस एक बात आप लोगों को पता रहेगा
अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन में एक साइड पे कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक वही इफेक्ट हम लोग को दूसरे साइड पे देना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। यहाँ पर हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी मैं 35 मल्टीप्लाई करूंगा ताकि हम लोग का इक्वेशन बैलेंस रहे। तो अभी हम लोग को क्या किया, हम लोग 5 × 2P + 3Q = 13 कर दिए। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 × 2P 10P 10P + 15Q = 65। ये हम लोग इसको अभी कर लेते हैं, इसको हम लोग अभी कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि ऊपर हम लोग ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कर चुके हैं, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कर रहा हूँ। अभी इक्वेशन 4 कर लाते हैं नीचे, इक्वेशन 4 हम लोग को क्या मिला था, 5P - 4Q = -2, इक्वेशन नंबर 4 है। और जैसे कि मैं बोला था मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5 एंड इक्वेशन 4/2, तो अभी इक्वेशन 4 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 5P - 4Q, और जैसे कि लेफ्ट साइड 2 पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 10P - 8Q = -4, ये हमें मिल गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूँ। गाइस हमें मिला है, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 10P मिल गया है, यहाँ पे 10P मिल गया है और यहाँ पर भी 10P मिल गया है। अभी हम लोग आसानी से इस P को एलिमिनेट कर सकते हैं, P वेरिएबल को। कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे अभी करेंगे। तो चलिए मैं अभी हम लोग स्टेप नंबर 2 के तरफ बढ़ेंगे। गाइस ये बहुत सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल के ये थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर आप लोग इसको 5 मिनट में कर देंगे, माने इसको 5 मिनट में आप लोग कर देंगे। तो स्टेप टू पे हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे। तो स्टेप टू में मैं क्या लिखूंगा, हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग देखेंगे दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 5 में क्या है, = 65 है, इक्वेशन नंबर 6 में = -4 है। हम लोग क्या करेंगे, पी को एलिमिनेट करने के लिए अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, इक्वेशन नंबर 5 बड़ा है क्योंकि = 65 आ रहा है, और इक्वेशन नंबर 6 छोटा नंबर है = -4 आ रहा है। तो हम लोग बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ अभी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5, क्योंकि इक्वेशन 5 बड़ा है, इक्वेशन 6 छोटा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम लोग पी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अभी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5, जो बड़ा नंबर है उसको मैं पहले लिखूंगा। बड़ा नंबर क्या है, 10P + 15Q = 65। फिर नीचे लिखूंगा छोटा वेरिएबल या छोटा इक्वेशन को, तो छोटा इक्वेशन क्या है, 10P - 8Q = -4, ये छोटा नंबर है। अभी हमें पता है जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर प्लस 10 है ना, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -8Q है ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -4 है ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए +10P - 10P यहाँ पर एलिमिनेट हो गया है। फिर हमें क्या मिला है, 15Q + 8Q, तो हमें मिल रहा है 23Q = 65 + 4 = 69 हमें मिल रहा है। हमें क्या मिला, 23Q = 69 मिला। अभी इसको आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, और Q = 69/23, क्योंकि मैं 23 × Q जो था उसको राइट साइड को जब ले लिया ये डिवाइड हो गया 69 के साथ, तो 69/23 हो गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ Q = 3, क्योंकि 23 × 3 = 69। तो गाइज हमें Q का वैल्यू मिल गया है यहाँ पर, अभी हमें Q का वैल्यू मिल चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये Q का वैल्यू लेके कौन से भी इक्वेशन में हम लोग रिप्लेस कर देंगे जहाँ पर P और Q वेरिएबल है। तो स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे Q का वैल्यू।
अभी मैं किस में डालूंगा, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आप कहीं पे भी डाल के इक्वेशन पे डाल के इसको रिप्लेस कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबव क्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबव क्यू इन इक्वेशन थ्री। मैं अभी इक्वेशन थ्री में डाल देता हूँ, आप लोग कौन से भी इक्वेशन में डाल सकते हैं जहां पर पी एंड क्यू वेरिएबल है, मगर मैं यहाँ पे अभी इक्वेशन थ्री पे डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो इक्वेशन थ्री हम लोग का क्या था, 2p + 3q = 13 था। मैं अभी q का वैल्यू 3 पे रिप्लेस कर दूंगा, तो हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे, हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 था 2p + 3q = 13, और 2p + 3q के जगह पे मैं 3 लिख लूंगा = 13, और 2p + 9 = 13, और 2p = 13 - 9। कैसे हो गया, यहाँ पर जो प्लस 9 था मैं उसको जब राइट साइड को मूव कर दिया ये माइनस 9 हो गया, और 2p = 4 हमें क्या मिला, 2p = 4। इसको और थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करके करेंगे तो हमें p का वैल्यू मिल जाएगा, और p = 4/2। कैसे हुआ, यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई होके p के साथ था, जब राइट साइड को गया ये 4 के साथ डिवाइड हो गया, और p = 2। तो गाइज हमें p का वैल्यू 2 मिल गया, तो हमें क्या मिला, p का वैल्यू हमें 2 मिला। तो हमें क्या क्या मिला, हमें मिला q का वैल्यू मिला और p का वैल्यू मिला। तो हमें मिला है q = 2, हमें मिला क्या क्या मिला, हमें मिला p = 2 और q = 3। ये दो वैल्यू हमें मिल गया है, ये दो वैल्यू हमें मिल गया है। अभी इसको हम लोग रिप्लेस करके x का वैल्यू निकाल देंगे। गाइज अभी हम लोग का फाइनल स्टेप के तरफ चलेंगे, तो फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फाइनल स्टेप बोल के, तो यहाँ पर फाइनल स्टेप बोल के मैं लिख लेता हूँ फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे, लेट 1/x = p बोल के हम लोग एज्यूम किए थे, और दूसरा एज्यूम क्या किए थे, लेट 1/y = q बोल के एज्यूम किए थे। अभी जैसे कि हम लोग एज्यूम किए थे, तो अभी हमें पी का 1/x = p के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, ये जो इक्वेशन हम लोग एज्यूम किए थे 1/x = p बोल के जो हम लोग एज्यूम किए थे, तो मैं अभी इसको लिख सकता हूँ, अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, मैं अभी इसको ऐसे लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा। p = 1/x बोल के हम लोग लिए थे, तो p = 1/x, और मैं लिखूंगा 2 = 1/x, क्योंकि यहाँ पर हमें p का वैल्यू 2 मिला है, तो 2 = 1/x लिखूंगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, और 2x = 1 और x = 1/2, तो हमें x का वैल्यू 1/2 मिला। ये हम लोग का फाइनल स्टेप है। सिमिलरली जैसे कि हम लोग में ऊपर किए थे p = 1/x, सिमिलरली q = 1/yp करेंगे, और q का वैल्यू हमें ऊपर क्या मिला था, q का वैल्यू हमें ऊपर 3 मिला था, तो यहाँ पर हम लोग का q का वैल्यू 3 है, तो मैं लिख लूंगा, और 3 = 1/y लिख दूंगा, और फिर ठीक उसी तरह से हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 3y, और 3y = 1, और y = 1/3, यहाँ पर हमें y का वैल्यू मिल गया। होप गाइज ठीक इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी था, जस्ट मैं आपको समझा रहा था, बल्कि थोड़े टाइम लिया, मगर इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।